हाय गाइस इमान मोमेंट वेलकम तू नेवर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ व्हाट्स फॉर बनवान हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया बड़ा प्यार दिया बड़ा एंजॉय किया तो बहुत-बहुत शुक्रिया शो की शुरुआत करते हैं फीडबैक कॉर्नर में सबसे पहले बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि जो हिरा मानने वाला पॉइंट था उसमें आप बहुत बायस थे आप लोगों ने अपना ओपिनियन सही से नहीं दिया आप क्यों हमेशा उन्हें हमने बात कही थी मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं

जो भी होता है जो वर्डिकल आता है लेके तो ले जा रहे हैं तो बाद में ये कर रहा था जब फिल्म ओपन हुई थी इसका पहला वीक आया था तो उसको ऐसा दिखाया गया था कि बहुत कमाल की चली गई है इट्स मेड बिग मनी जबकि इसने बहुत बिग मनी नहीं कमाई थी इसके बरस कुछ फिल्मों को होता है कि वो पैसे ठीक ठाक कमाती भी है तो उनको इतना ज्यादा उनके बयान नहीं करते ये मेरी बात थी तो ये मैं नेटिव की बात कर रहा करता कि शमशेरा की ये बात आई थिंक हर किस बात तो कि को अब मान रहा है कि शमशेरा को डे वन से ही सब ने ऐसे गिरा दिया सब क्रिटिक्स ने सब ट्रेड एनालिटिक्स ने अभी तो फ्लॉप होगी उसकी बहुत सी वजूहत थी वो उस पर नहीं जाते बट द पॉइंट उसको डे वन से गिरा दिया था उसके बरस कुछ फिल्मों को अब जो एक विलन है

तो मैंने बोला था लालचन लालचन अलगा मुझ पे तुम हाँ अब तूने <laughs> तो रिवाज अलग गोपी बहू तो फीडबैक कॉर्नर हो गया खत्म ये तो फीडबैक कॉर्नर बस फीडबैक कॉर्नर यही था, था। मैं पर... तो वेट कर था मेरी चापस्टिक से कर भी आएगा मैंने किसी खास यहां पे एक बंदे ने कमेंट नहीं किया इसकी <laughs> चापस्टिक पे यार मुझे किसी डीएम किया था

<laughs> 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 बस यहाँ पे मैं एक और मैं एक स्टोरी शेयर कर लूँ मेरे साथ एक थोड़ा सा सैड खरकता वैसे मेरी अपनी गलती थी बट थोड़ा सा सैड हुआ मैं शर्ट आयरन करती थी मेरा पेट जल गया <laughs> I know तेरा funny लग रहा है TMI guys TMI too much information इमान कोई इंटरेस्टिंग था इमान की पेट जलने वाली कहानी में

कि जली थी मैं जल के सीखता है और अच्छा, शुरू करते हैं आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव खबर तीन बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल यासिर नवाज निसिर और दानिश नवाज आपको इकट्ठे दिखने वाले हैं एक ही प्रोजेक्ट में एक्टिंग करते हुए आई एम श्योर बहुत से लोगों का दिमाग कुछ

तिगड़ी को लोगों ने बड़ा पसंद किया था दानिश और निदा को तो अब वही तिगड़ी वापस आ रही है तो देखना दिलचस्प होगा ये लोग क्या करेंगे अभी इट्स नॉट कन्फर्म कि ना दाने का सीक्वली है एक प्रोजेक्ट है जो ये लोग इकट्ठे करने वाले हैं बट लेट्स होप कि उसका सीक्वली हो हाँ। इसका नाम क्या होगा ये कब आएगा ये कहाँ आएगा इट्स गेट टू तो बी सीन हाँ शूटिंग से स्टार्ट हो चुकी है और जहां तक इसकी रिलीज की बात है तो आई थिंक बहुत से ऑप्शन भी हैं आप चैनल पर जा सकते हो आप लोग ऑनलाइन में जा सकते हो बिक्यू यू नो इट्स न्यू वे टू Showcase your work. एक में वैसे भी OTT को करना चाहिए हाँ। है। उसका जब सीजन आया था नया सीजन तो टीवी पे तो अगेन डिफरेंट रूट होते हैं आपके पास आप टीवी पे जाओ आप ओटीडी पे जाओ इंटरेस्टिंग थी लोग कहाँ पे जाते हैं क्या करते हैं परिगड़ी वापिस आ रही है Is, not, expectations is not coming back that's yet to be seen but we are super excited I think post number बेसिकली एक नोक जोकर चलता आ रहा है इस सबकी शुरुआत तब हुई थी जब खलील साहब की फिल्म आनी थी काफ कंगना उसमें रेशम को उन्होंने कास्ट किया था फॉर अ रोल और रेशम ने बाद में ऑप्ट आउट किया उस फिल्म से पहले सुनने में आता डेट्स का इशू था बाद में पता चला कुछ पैसों की बात इशू हुआ एंड वंस रेशम ऑप्टेड आउट ऑफ दैट फिल्म उसके बाद खलील साहब काफ़ी एंटी रेशम हो गए उन्होंने बहुत से बैनर भी दिए उन्होंने एक शो में ये भी कहा था कि भाई रेशम और उनकी बहन ने आके मेरे पाँव पकड़े थे और इन रोल के लिए उसके बाद भी बहुत उन्हें उनकी उन्हें, 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 उन्हें उन्हें इस बात का जवाब दिया था और ये यू नो एक सिलसिला चलता आ रहा है इवन आई रिमेंबर जब वो फेमिनिस्ट वाला पूरा वो जो हुआ था वगैरह तब भी इनका एक शो में इकट्ठे आए थे तो रेशम बहुत हस रही थी जब भी खलील रहमान की कोई बुराई हो रही थी और खलील रहमान हली थोड़ी मिला उसमें इनकी नोक नोकझोंक जरा थोड़ी चलती रहती है Okay. दो, दो, दो टके का दो टके का टके का लिखने वाला डायलॉग लिखने वाला आज एक टके का नहीं रहा दो टके की औरत का डायलॉग लिखने वाला खुद आज एक टके का भी नहीं रहा ड्रॉप <laughs> <laughs> उस तरह का था ना डायलॉग बाजी थी थोड़ी तो उसके बाद बस इधर उधर से जरा यू नो एक वॉर ऑफ वर्ड्स चलता आ रहा है और इसका फाइनल अभी एक स्मैकडाउन मारा रेशम जब रेशम आई अभी शो पे मेरे लिए तो स्मैकडाउन वही था दो टकी वाला बड़ा ऐसे लाइन थी मतलब ये भी स्मैकडाउन था ये भी था हाँ। वो तो बड़ा फिल्मी था ये जरा एक तो तमीज और वो वो वाला जरा था कि ये डायलॉग लिखते हैं ना ये मारा वो उस तरह का था तो हुआ कुछ हो गया रेशम आई थी ताबिश के शो में तो वहां पे साथ किसी में बास जी भी थे

यू uh, नो you know, उन्होंने कहा था कि आई रिग्रेट है मुझे जिंदगी भर का गम है किसी ने मेरी जिंदगी का सीरियल किया और उसमें ये हीरोइन थी सबके तुम्हारे उन्होंने अदनाज मदी को भी कहा था और hmm. बहुत उन्होंने अजीब सी बातें बोली थी उन्होंने उसके बाद मायरा खान ने भी रेडिट किया था कि असल में हुआ था कि मायरा खान ने कहा था जब खलील इतनी ये बिखरी बातें हैं कॉन्ट्रोवर्सी है जब खलील साहब की और मारवी सिमत वाली बात हुई थी, थी उसके बाद महाराज ने कहा था कि यू हाँ। तो नो शी वाज हैप्पी विद दिस तो उन्होंने तो खलील साहब को एंटी बोला था कि यू नो ये गलत बात है उनकी हाँ। उसके बाद खलील साहब ने कहा आई रिग्रेट हैविंग इन माय शो और बहुत उन्हें बयान दिए उसके बाद एक सिलसिला इनका भी चलता हुआ आ रहा है जहाँ पे यू नो और नाफ क्वेश्चन चलता रहता वैसे है ये में सुन बहुत गलत बात है खलीलुर मान जी की वो हमेशा जब भी कोई एक्टर्स वगैरह कोई उनके खिलाफ कुछ बोलते ना तो बच्चों की तरह छोटे क्रोध में लग जाते हैं बातें पता नहीं जैसे कोई अगर एक्टर निकल जाए कि उनके प्रोजेक्ट से फिर कहेंगे हाँ मैं बताऊंगा फिर जादी

क्या होता है सोच रहा लो नही तो चल जाना अच्छा मैं शूट नहीं करूंगी ठक मारा तो मैं भी बैठ जाऊंगा ठक दोनों का बात करते इस बयान की तो भाई रेशम ने कहा कि भैया मारा को बोलते हैं आप हैं कौन कि वो माहिरा खान पीछे पड़े रहते हैं कि मैंने इनको चांस नहीं देना भाई आपने तो दिया ही नहीं हाँ। अब क्या है वो कहना चाह रही थी नो you know, आप एक राइटर हैं वो प्रोड्यूसर हाँ। लेतान बोर्ड डायरेक्टर लेतौन बोर्ड आप क्या बात हो सकते ड्रामा आपने कहां से दिया वो तो चैनल ने दिया आप ठीक है चैनल ने दिया उन्होंने प्रोजेक्ट को जरा आपका लड़कियों के साथ जोड़ लेते हैं

खैर आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है खलील हाँ। रहमान रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हाँ। हैं मैं इसे खलील साहब की मुझे मैम कुछ याद जो बहुत इनके कुछ अजीब से थे याद है ने एक तो बात की थी कि लड़कियां हराम का लड़कियां लड़कियां हराम को कमाती हैं और ये बहुत उन्होंने ये इन्होंने ना ये कहने की कोशिश की थी कि लड़कियां सारी प्रोस्टिट्यूशन में हैं सारी यू नो नाइटें लगाती हैं या था बातें नहीं की थी तो अगेन ये लड़कियों को जरा करते हैं पेंटिंग करते हैं लड़कों के खिलाफ बहुत कम बोलते हैं अदा के खिलाफ हालांकि कहने को प्रोड्यूसर के खिलाफ भी बोल सकते हैं

हल्का सा अब चलो बेचे मैं ये बात कि पुराने हमारे जितने माँ बाप सबके अपने यू you नो know, एक बने हुए तरीके उनको अनलर्न करने की जरूरत है बट आप बिल्कुल अनलर्न नहीं करा सकते लेकिन एटलीस्ट आप कुछ तो उन्हें बताओ ना कि कुछ आप कुछ बातें आपने बोलते शो में आके

ट्रेट है वो है। मैं जाना सारी मैं। कहा करेंगे? <laughs> <मुणची शो। laughs> शो तो वो बन गया बता है। जैसे एक मोलचट थी हाँ। एक भमास्टा एक एक मोलाचट और एक मुंशी हाँ। तीन चीजें जो जरा लेकिन भमास्टा भी आ रही है मोलजट भी आ रही है

क्रैश होता है ऐसे हम आ चुके हैं टर्की और इमान हम यहाँ पे क्यों आए हैं लगी हुई <laughs> हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत मेगा बजट शो स्टार्ट होने जा रहा है oh, हाँ। इसलिए यहाँ पर लोग <laughs> तो आप सब ने ये पिक्चर्स देखी होंगी सोशल मीडिया <laughs> पे मायू सईद अनान सिद्दीकी आयशा उमर उष्णा शाह इनकी पिक्चर्स और वीडियो सेट्स के आगे पोस्ट करते हुए ओहो फ्लॉन्ट करते हुए तो आप सेट के सामने उनका सेट ग्रैंड लेवल पे है बट खैर हमारा भी सेट है खैर <laughs> <laughs> तो आप तो आप सबके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे hmm. ये क्या कर रहे हैं व्हाट्स द 411 तो वेल हियर इज द 411 आप सबको तो याद होगा लास्ट खबर आई थी कि पाकिस्तान और तुर्की कोलैबोरेट करने जा रहे हैं

आपके याद है कुछ देर पहले से अपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी किया था <laughs> ये हमारे सेट्स बन रहे हैं हम लोग बहुत हैं। तो उसी, को करने के लिए, लो एक स्नीक पिक देने के लिए सब लोग पहुंचे <laughs> और जो जो हमने बता चुके कौन <laughs> कौन हाँ। था और इस शो को प्रोड्यूसर्स कौन है कौन कौन इन्वॉल्व है शो में तो शो मेंसली हमारी अब ये लोग अगेन ऑन बोर्ड है एज प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड है ये बात अभी इतनी क्लियर हो सकते हैं ना कैनवे हो सकते हैं कैमरे ये लोग कुछ छोटा मोटा कर कर लेंगे

और अतली अतली एथली प्रोड्यूसर्स हैं जो लोग बड़े से पहले कमाल का कॉन्वेंट बना चुके हैं ये तो सब मिल के यू नो इस प्रोजेक्ट को पातकमी तक लेके चलेंगे अब जो आयशा से मेरी बात हुई तो आयशा बता रही थी मैं यू बड़े कमाल के सेट्स लगे यहाँ पे दो सौ एकड़ का लैंड है जो उन्होंने खरीदा उन्होंने उस पर यू नो सेट सारे खड़े किए हैं और बताती थे मेरे मेस्कस का सेट यहाँ पे लगा है यहाँ पे कायरो बन रहा है जरूसलम बन रहा है प्रॉपर जो यू नो पूरी कहानी जिसमें आगे बढ़ेगी तो वो बड़े बहुत बड़े बड़े यू नो प्रॉपर सेट्स बनेंगे तो बड़ी कमाल की बात है और सेप्टेम्बर अक्टूबर की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी अब यहाँ पे एक सवाल जो उठता है वो सब लोग जाना चाह रहे होंगे भाई इसमें एक्टर कौन है कौन एक्ट कर रहा है तो आयशा उमर उषा शाह की तस्वीरें तो आ गई हैं तो वो लोग इसमें हैं ठीक है बाकी इसमें कौन कौन ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त ही बताएगा कि तो अभी जहाँ तक तो मुझे पता चला है फ्रॉम द मेकर्स कि अभी कुछ लोल्स हैं जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी अदाकारा हैं शायद उनमें नजर आए हमें कि मेरी शायद मायरा खान Oh. सबा कमर, ये नाम भी सुनने में आ रहे हैं मतलब इन सब से बात हो रही है इट्स इट्स इन इन द द शायद ये लोग भी हमें इस शो में देखें ऑल एयर तक कास्टिंग की बात है तो आपको याद होगा कुछ देर पहले एक उन्होंने ऑडिशन किए थे कि जिसने भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं आप में अगर टैलेंट है तो आप लोग आगे ऑडिशन दें तो बहुत से नए लोगों ने ऑडिशन लो दिया था टैलेंट हाँ टैलेंट को लेने के लिए तो उसी में बहुत से स्टाबलिश आर्टिस्ट ने ऑडिशन दिए थे

आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर फोर की थॉर्ट फाइव की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे अमल खान के बारे में जो मुनीब भट्ट और एमन खान की बेटी हैं और हमने कुछ कमेंट्स पढ़े कुछ हमने ट्रोलिंग भी नहीं इसको मैं कहूँगा इसको मैं गंद कहूँगा हमने देखा ऑनलाइन है आई थॉट इसकी में बात करनी चाहिए कुछ जगहों पे आवाज़ उठाना बहुत अहम होता है ताकि कुछ बातों को रुकना चाहिए फैट शेमिंग समबड़ी इज़ रॉन्ग बट फैट शेमिंग अ बच्चा इज़ रॉन्ग टाइम वन

ए मना किसी कह रही हा हा यू नो इट्स यूर टर्न टू थ्रो द पार्टी और मेरे माइंड में आया कि क्या मेरा प्रेग्नेंट है कि वो पूरी पोस्ट, पोस्ट हाँ कि वो प्रेग्नेंट है और मुझे नीचे लोग कमेंट यही कर करेंगे वो इस मिनाल प्रेग्नेंट मिनाल पार्टी थ्रो करेंगी और लोगों ने सारे कमेंट्स किया शुरू कर दिए मुझे बहुत 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 बुरा लगा कि कोई सेंस ही नहीं थी और नीचे लोग कमेंट को लाइक भी कर रहे हैं गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं लोग उनको और प्रमोट कर रहे हैं खुश हो रहे हैं कि हा, हा, और आगे नीचे कमेंट में थ्रेड शुरू एक दूसरे के साथ मिलकर मजाक उड़ाना आई एम ग्लैड आई एम ग्लैड कुछ बीच में सेन लोग थे जो आगे से भाई बहुत 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 कॉमेंट थे मैं बहुत डिसमेंट सेक्शन देखिए

करना हाँ। में कर लेना जाके पर अगर बचपन में, में आपने चिप्स नहीं खाने बचपन में आपने स्नैक्स वगैरह नहीं खाने तो कब खाने हैं अब सोचो आप 30 की एज में जाके चिप्स पकड़ के खा रहे हो मतलब कि नहीं ना ऑब्वियसली बच्चे ही खाएंगे ना बच्चे थोड़ा सा अपने आप को इस तरह करते हैं और बच्चे थोड़ा अनहेल्दी खा भी लें खाना थोड़ा मोटे हाँ। क्या हो गया

कि वो अकाउंट के पीछे बैठ के जो दिल करता है बोलते किसी को तो अगले को इंसान समझते नहीं है और आधे लोगों का ना वो मजा आता है कि लोग उनके like, को like like करें करें हाँ। हाँ। कि अगर हम कोई जोक रहा करें जोकर ये बिल्कुल कोई यूजलेस निकम्मे किस्म के लोग होते हैं जो पीछे बैठ के बस लोगों को पीछे नीचे गिरा के उन्हें खुशी मिलती है आप खुद तो कुछ कर नहीं जिंदगी में और आप लोगों को नीचे गिराते हो और सही बात है आप, आपके पास टाइम नहीं कॉमेंट बुरा करना है तो अगर आप एक प्रॉपर अगर बुरा, बुरा नहीं नहीं, अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है आपको कुछ कहना भी है कि तो आप उसको प्रॉपर थम्स अप नथिंग रॉन्ग विद दैट

है हैदानी साइडों पे मेरे सामने शुक्र अल्लाह लग नहीं है वो नांटी ने भी कैमरे में कहना था कि <laughs> बेटा शो करती हूँ दानों के साथ तो खैर बस इस तरह ना किसी को तंग करें बस जो तो भी है सबको अपने मसले all they got a bit carried away and start discussing about themselves who wanted to know about the acne girl तो हां थैंक्स आई थिंक इसे हम आगे बढ़ते हैं तो बस आई थिंक फुल स्टॉप इस चीज पे आ, ये गलत है ये हमारा इस इस मकसद पॉइंट का आगे बढ़ते हैं हैं बात करते पोस्ट नंबर की की हमारी पांच ही पोस्ट पे हम बात करेंगे मरीना खान जी के बारे में और उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी और आई एम ग्लैड कि भी मामला हल हो चुका है एंड आई थॉट कि हम इस मामले की बात करें एंड आई थिंक जहां पे तारीफ बनती है उसको तारीफ भी की जाए तो असल में हुआ कुछ यूँ कि मरीना खान जी ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई उन्होंने कहा मेरी फिल्म आ रही ग्यारह बे और मुझे इसमें पैसे नहीं

दे लेती है में लेकिन हम अभी चार हमने बात की मरीना जी से हम इनके पैसे, को पैसे दे लगा हमारे पाकिस्तान के हालांकि पहले गलती हुई गंद हो गया बट उन्होंने कहा कन्फ्यूजन थी उन्होंने इस बात को ओन अप किया अगेन गलती मतलब मान ले तो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है वो तो चलो किया एक अलग बात है लेते होते जब लोग आगे लालचन लगाते होते हैं लालचन 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 लगाते होते हैं मुझे जो मेन चीज अच्छी लगी कि वो पैसे दे रहे हैं हाँ। वरना हमारे यहाँ पर होता है पैसे किसी तरीके से खा, खा लो खा, खा लो उनके अंदर मरीना जी आपको केस भी तो लड़ रहे हैं लग गए पैसे अब हाँ। हाँ। हम क्या करें हाँ क्या आपके केस लड़ा है हमने गलत चीज नोट की

मरीना हाँ। खान जी बात उठाई इस बात को अक्सर लोग बातें बातें उठाओगे इंडस्ट्री का हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा फ्लॉड है टूटा फूटा हुआ है बहुत लोग मुझे बताते हैं हम बात करना मेरा दोस्तों में नाम इंडस्ट्री तो मुझे कह रहा है मैं बात करना चाहता तो हूँ मेरे पैसे नहीं नहीं गया, गया, मैं हैं फंसे तो नहीं देखो बोलो बोलूंगा तो फिर तो इसका आवाज उठाना बहुत अहम है ठीक है तो उन्होंने बात की इस तरह कोई और बंदा होगा उसके पैसे बात करेगा आई होप इन मसलों को सॉल्व कर जाए तो एक मुझे नाम का याद नहीं आ रहा

फीडबैक ऑन है फॉर फीडबैक यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्सएप फॉर